Thank you.
राधा श्री राधा राम राधा राधा श्री राधा राम राधा।
बोलो श्री राधा रानी की जय। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजन छलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तरुभक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगद्वते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराध लक्षे शिवतस्य कामादितरानुमद्ये प्रिभावै तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जन्मदस्य यतः द्वयाधितरिष्टार्थेषु अभिज्ञा स्वराज तेने ब्रह्म हृदया आदिकौमुयन्ति यस्वरया तेजो वारि मृतं यथा विद्मय यत्र ति सर्वं वृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुवकं सत्यं परम धीमहि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सदि गौर भक्तवृंद। एक बार फिर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अच्छा, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग राधाष्टमी का ये पर्व बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और उसी राधाष्टमी के पर्व के उपलक्ष में घर घर में जाकर और अलग अलग स्थानों पर जाकर राधाष्टमी का चाव का कार्यक्रम कर रहे हैं। चाव समझते हैं, ये त्योहार ये उत्सव किया बड़े चाव से, बड़े चाव से किया। कृष्ण जन्माष्टमी तो मनाई गई, सारा विश्व मनाता है, राधाष्टमी कम ही लोग मनाते हैं। और ब्रज का जो भाव है, ब्रज के भाव के अनुसार किसकी प्रधानता है ये तो ब्रजवासी ही जानता है। जहां पर राधा नाम परम सुखदाई, जहां पर विशेषता राधा जी की प्रधानता है, श्री कृष्ण की बहुत सारी लीला हुई, लीला पुरुषोत्तम है, लीला विनोद करना लीला पुरुषोत्तम है। अभी बैठ जाओ, अभी कोई हलचल मत करो, वो क्या बाद में करना चाहिए या तो पहले किया करो, कथा में कोई बीच में मत। जिस प्रकार से आप लोगों ने भव्य स्वागत किया ना, मैं उस समय सोच रहा था सभी लोग बड़े प्यार से पुष्प बिछाते हुए, ठीक है, और फोन भी जरा साइलेंट कर लो। जिस प्रकार से ऐसे हम भव्य स्वागत करते हैं, ऐसे ही गुरु जी के उपदेशों का भी भव्य स्वागत अगर कर लेना हो गया फिर तो सब सार्थक हो गया। लेकिन हम लोग इस प्रकार से ऊपर से तो भव्य स्वागत करते हैं,
लेकिन गुरु जी की विशेषता, उनके विचार, उनकी धारणा, उसका आदर, उसका सत्कार बहुत कम ही कर पाते हैं। और वही मुख्य चीज है, इतने फूलों की, इतनी पुष्पों की आवश्यकता नहीं है। प्रेम कहना नहीं पड़ता, दिख जाता है। क्या श्री कृष्ण बुरा माने थे जब केले के छिलके खा रहे थे? ये उनके खाने की चीज है क्या, जो हम आप भी नहीं खा सकते? कोई खा सकता है? तो भगवान फालतू के कुछ भी खा लेंगे। सुदामा जी का कच्चा तांडू कोई खा सकता है? तो इनका कोई मूल्य नहीं, ऐसे खा लिया। प्रेम को स्थापित कर रहे हैं, समझना इस बात को। उस प्रेम को स्थापित कर रहे हैं इस प्रसंग के माध्यम से, और उसके लिए कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। इतना अवकाश भी नहीं है कि कहना पड़े, वो लक्षित हो जाता है, अपने आप हृदय को स्पर्श कर जाता है। उसी प्रकार भगवान की जो कथा है, हमने बहुत कुछ किया, सजावट की, बड़ा आयोजन किया, लेकिन यदि उस कथा को ही आलिंगन नहीं किया तो वो सजावट का भी अधिक महत्व नहीं। जिसने कथा का आलिंगन कर लिया वो साक्षात भगवान का आलिंगन हो गया। तो उस कथा का आलिंगन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, वो तो नहीं वाली तो बात ही नहीं है। प्रेत योनि में पड़ा हुआ धुंधकारी भी उस कथा का आलिंगन करके वैकुंठ गति को प्राप्त कर सकते हैं। निर्गुण ब्रह्म में लीन होने वाले सुखदेव गोस्वामी भी उस कथा का आलिंगन करके सब विशेष श्री कृष्ण के रूप से आकर्षित हो जाए, कौन सी बड़ी बात है। तो इनको, इन विचारों को अच्छे से समझेंगे। कथा का आलिंगन सबसे बड़ा आलिंगन है, क्योंकि कृष्ण कथाएं, कृष्ण कथाएं, भगवान कहाँ है? तो ये लीला पुरुषोत्तम, इनका एक नाम है रास बिहारी। आप ब्रज में विचरण करो, वहां बहुत सारे बिहारी मिलेंगे, विनोद बिहारी, रास बिहारी, संकेत बिहारी, बिहार करते हैं, इसलिए उन एक एक लीला के नाम से इनका एक नाम जुड़ गया। बिहारी का मतलब जो विचरण करते हैं, विहार करें, हाँ, जैसे बांके बिहारी, बांके हैं इसलिए विहार करते हैं, उनका विहार ही बांके है, टेढ़ा है, सीधा नहीं है। कृष्ण नाम भी कहना सीधा नहीं है, अब लगा के देख लो अंदाजा। जीभ जब तीन जगह से लपेटे लेती है तब कृष्ण नाम उसे निकलता है, ये सीधा नहीं है। कृष्ण नाम तीन लपेटे लेती है। तो ये लीला पुरुषोत्तम की सबसे बड़ी लीला, बहुत सी की लेकिन सर्वश्रेष्ठ लीला कौन सी है, जिसको हम वृंदावन, अभी आज हम जो वृंदावन जाते हैं, ये तो वृंदावन है ही, लेकिन एक है बृहद वृंदावन। संपूर्ण 84 कोस ब्रजमंडल बृहद वृंदावन कहा जाता है, और जिस वृंदावन में अभी हम जाते हैं, ये वृंदावन रास स्थली है, जहां पर रास हुआ। समस्त लीलाओं में सबसे श्रेष्ठ जो भगवान की लीला हुई वह रास लीला, और ये जो रास लीला है ये कोई काम लीला नहीं है,
कि अर्धरात्रि के समय में सुंदर सुंदर गोपियों के साथ कृष्ण विहार कर रहे हैं, रास बिहारी विहार कर रहे हैं। ये काम लीला नहीं, ये प्रेम लीला है, जहां पर अपना सुख नहीं, जिनसे प्रेम किया जाता है उसके सुख में ही सुख देखा जाता है। ये भाषा इस संसार में नहीं चलती, या अपने सुख में थोड़ा सा भी कोई विघ्न आता है तो प्रेम वही टूट जाता है। हम कह तो देते हैं हमारा आपसे प्रेम है, लेकिन प्रेम की परिभाषा क्या है? सदा ध्वंस रहितम। उज्ज्वल दिनमणि में श्री रूप गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं, ब्रज के इतने बड़े संत जिन्होंने वृंदावन को आविष्कार किया, वृंदावन तो लुप्त हो चुका था, सब जंगल, कौन सी लीला कौन से स्थान पर ये सेवा कुछ निधुवन और ये सब इसको आविष्कार करने वाले कौन? रूप गोस्वामी जी। आज से 500 वर्ष पहले वो प्रेम की परिभाषा बदला रहे हैं। वो क्या है? सदा ध्वंस रहितम। कारण उत्पन्न होने पर भी जो प्रेम ना टूटे वो है प्रेम, कारण उत्पन्न ना होने पर भी। और यहां तो अकारण ही प्रेम टूट जाता है, बिना कारण के ही प्रेम टूट जाता है। जहां पर स्वार्थ में हानि होती है वहीं प्रेम टूट जाता है। इसलिए अपनी तुलना भगवान की लीला के अनुसार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में अंतर तो है ना। तुलना क्या की गई? काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। काम जिसको हम यहां प्रेम कहते हैं वास्तव में वो काम है, क्योंकि वहां अपने स्वार्थ की पूर्ति है। लेकिन ब्रज में श्री राधा जी श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो कैसा है? निर्मल भास्कर, सूर्य की भांति निर्मल और तेजवान। ऐसा प्रेम उस रास बिहारी, श्री रास बिहारी की जो रास लीला है वो कोई काम लीला नहीं, वह प्रेम लीला है। और इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने उस लीला के आरंभ में भी कुछ कह दिया और अंत में भी कुछ कह दिया। आरंभ में तो सावधान कर दिया कि देखो भैया, अभी आप सब लोग ये सुनने जा रहे हो तो सावधानी से सुनना कि भगवान अभी तारात्रि शर्वोत्फुल मल्लिका विक्षुरंते मनश्चक्रे योग माया उपाशिता। आरंभ कहां से किया? भगवान से। ये लीला कोई साधारण पुरुष या कोई बालक नहीं कर रहा है, न करने जा रहा है, भगवान। भगवान की परिभाषा क्या है? जो यहां है इनको भगवान क्यों बोलते हैं भाई? बोलते क्योंकि है इसलिए भगवान है। भगवान है तो भगवान, अरे है क्यों भगवान? नाम मतलब तो पता हो, धनवान का मतलब क्या होता है ये तो पता लग जाता है आराम से। यही भाषा हम लोग समझते हैं, धनवान का मतलब क्या? जो धन को वहन करे, धन को धारण करे वो धनवान, भाग्यवान। जो भाग्य को वहन करता है धारण करता है भाग्यवान, विद्यावान। ऐसे ही भगवान, इसलिए अपने साथ इस बात को लेके जाना। और कोई कोई पूछ ले कभी कल तो पता होना चाहिए भगवान को भगवान क्यों कहा जाता है, कोई और ही नाम क्यों नहीं है? जो भग को धारण करता है वो भगवान है। ये भग क्या होता है? भाग नहीं, कोई सोचे भागने, भग भ और ग ये दो अक्षर हैं, इसको जो धारण करता है वो है भगवान। और इन दो अक्षरों में इनका सब कुछ समाहित है।
क्या समाहित है? ऐश्वरस्या समग्रस्या वीरस्या यशस्य श्रेयः ज्ञान वैराग्य, छह वस्तुएं, छह वस्तु परिपूर्ण मात्रा में जिसमें विद्यमान है उसको जो वहन करता है, धारण करता है, वो भगवान। छह क्या है? संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण बल, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री सुंदरता, संपूर्ण ज्ञान, और उन्हीं व्यक्ति में संपूर्ण वैराग्य भी। ये छह वस्तुओं को इकट्ठा किया जाए तो अक्षर बनता है भग, और उसको जो धारण करता है वो भगवान। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने उस प्रेम लीला के आरंभ में ही बात कह दी कि भगवान अपि तरात्री, कोई साधारण पुरुष, कोई जड़ीय पुरुष, हार्ट मास वाला कोई व्यक्ति ये नहीं करने जा रहा है, भगवान करने जा रहे हैं। लेकिन इसी श्लोक में बात कह दी योग माया उपाश्रिता, ये रासलीला हो ही नहीं सकती यदि इसमें एक सबसे बड़ी वस्तु, सबसे बड़ी अगर वो इसमें ना हो। जानते हो क्या है जिसका पर्व हम मनाने जा रहे हैं? कौन कौन? हाँ, बोले तू बिना कहाँ रास, तू लगी मोरा बरा जवासा। भजन को बताया रास के जो ईश्वर हैं, और राधा जी का नाम है रासेश्वरी, रास की जो ईश्वरी है। यदि राधा जी ना हो उस रास में तो इनका नाम भी रासेश्वर, क्योंकि रास नहीं हो पाएगा तो रासेश्वर कहां का होगा? पूरी भगवान की लीला की जो आधार है वो है श्री राधा जी। इनकी समस्त क्रिया श्री राधा जी पर ही निर्भर करती है। क्यों है? क्या इनका संबंध? कृष्ण पूर्ण शक्तिमान और राधा जी पूर्ण शक्ति। अब शक्तिमान को शक्ति से अलग कैसे करोगे? एक दीपक जलाया, उदाहरण से समझो, एक दीपक जलाया, उस दीपक में तेज भी है और उसमें दाही का शक्ति भी है, जलाने की शक्ति भी होती है ना, जितनी बड़ी अग्नि उतना बड़ा तेज। लेकिन हर अग्नि में दाही का शक्ति, जलाने की शक्ति और तेज दोनों विद्यमान है। अब उसमें से दोनों को अलग कैसे करोगे? तेज को, रोशनी को, तेज को और उसकी जलाने की शक्ति को अलग कैसे करोगे? हो ही नहीं सकता। कस्तूरी होती है, कस्तूरी में सुगंधि होती है, उस कस्तूरी को और सुगंधि को अलग कैसे किया जाएगा? हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार शक्तिमान को शक्ति से अलग कैसे किया जाएगा? हो ही नहीं सकता। वो राधा जी श्री कृष्ण की शक्ति है, इससे यदि श्री कृष्ण राधा जी को आलिंगन करते हैं तो किसको कर रहे हैं? अपने आप ही को तो कर रहे हैं। अरे आप धूप में खड़े हो, अपनी परछाई को आप गले लगाओ, कोई बुरा मानेगा? अपनी परछाई को गले लगाने से बुरा मानता कोई? सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं भागवत जी। और आप किसी को राह चलते को गले लगाओ, कैसा लगेगा? सब कहेंगे क्या कर रहे हैं। किसी पराये को यदि आलिंगन किया जाए, गला लगाया जाए तो विपरीत लगता है, लेकिन अपने को ही कोई गले लगाए तो किसको क्या फर्क पड़ता है? इसलिए संसार के लोग ना कभी भागवत पढ़ेंगे
न कभी भागवत समझेंगे, न कभी भागवत जी सुनेंगे, बोलना होता है बस। क्योंकि बोलने पे तो कोई टैक्स भी नहीं लगता, कुछ भी बोल दो जो मन में आया। मेरा ऐसा मानना, मेरा ऐसा मानना, तुम्हारा मानना तुम कौन हो? पंडित जी हो, बोले संस्कृत के कोई विद्वान हो, क्या आधार है बात करने का? सब देखना पड़ता है। इसलिए कटाक्ष कहने के लिए तो, कटाक्ष करने के लिए तो बड़े उपस्थित थे। हाँ, यमुना जी के तट पर अर्धरात्रि के समय में श्री कृष्ण राधा जी के साथ, गोपियों के साथ रास करते हैं। मगर कितनी गोपियों के साथ रास करते हैं? दो, चार, पांच, सात, 100 करोड़ गोपियां, 100 कोटी गोपी, 100 करोड़ गोपियों के साथ नागर जो श्री कृष्ण रास कर रहे हैं। और कौन कर रहा है? भगवान। मैं नहीं कह रहा, शुकदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, एक अथॉरिटी कह रही है इस बात को। मैं तो अथॉरिटी नहीं हूं, भागवत जी हमारी अथॉरिटी है। और भागवत जी को कहने वाले शुकदेव गोस्वामी जी अथॉरिटी है। भागवत जी एक ऐसी अथॉरिटी है जिसको कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति कभी काट नहीं सकता, कोई भी संप्रदाय, कोई ना उसकी बात को झुठला नहीं सकता। ये प्रमाण है, ये ठोस प्रमाण है, क्योंकि ये साक्षात श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। तो जब शुकदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं इस बात को, तो हम आप कौन होते हैं उसको चुटलाने के लिए? उस रास की जो आधार है वो रासेश्वरी राधा जी है, इससे उनके बिना ये संभव ही नहीं है। और ये रास किया भी क्यों किया? जैसे पहले वर्णन किया मैंने, ये कोई काम लीला नहीं, ये प्रेम लीला है। श्री कृष्ण भोक्ता है, ये हर वस्तु को भोग लगाते हैं। हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं ना, ये हमारे भी भोक्ता है, ये सृष्टि के भोक्ता है, हर चीज के भोक्ता है। लेकिन रास एक ऐसा प्रसंग है जहां इतना बड़ा भोक्ता भी उसको भोगना नहीं चाहता, बल्कि क्या करना चाहता है? राधा जी की सेवा करना चाहता है, उनका प्रसन्न करना चाहे। जहां पर राधा जी श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाह रही है, जहां पर सारी गोपियां मिलकर इन दोनों को, युगल सरकार को दिलसाना चाह रही है, जहां पर श्री वृंदावन धाम इन सब की सेवा, सब सेवा ही करना चाह रही है। क्योंकि वे सेवा ही प्रेम है और प्रेम ही सेवा है। सेवा में और प्रेम में कोई अंतर नहीं है, प्रेम ही सेवा है और सेवा ही प्रेम है। जहां पर अपना स्वार्थ नहीं, अपने इष्ट के सुख में ही अपना सुख देखा जाता है, उसमें भले मेरे को कष्ट मिले या फिर मुझको सुख मिले, उसकी चिंता नहीं करे। बड़ी ऊंची बात है, आश्लिष्य व पदरतम पिनष्ट मान मदर्श रहा तब करो कृपा। राधा जी कह रही है, हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, महाप्रभु जी राधा जी के भाव में कह रहे हैं, यदि आप मुझको दर्शन देकर सुखी बनाओ और यदि अदर्शन बिना दर्शन देकर मुझको दुखी करते हो, तभी मेरा प्रेम कम होने वाला नहीं है। तब भी मेरा प्रेम कोई कम नहीं होता, वो प्रेम ऐसा जो सब समय वृद्धि को ही प्राप्त होता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। क्योंकि वो राधा जी कौन है? वो प्रेम की साक्षात मूर्ति है, साक्षात मूर्ति। इसलिए उन राधा जी की कृपा के बिना कोई कृष्ण नाम भी जप नहीं कर सकता।
वो राधा जी के नाम को उच्चारण करने, उन राधा जी का नाम उच्चारण किए बिना तो कृष्ण नाम भी उच्चारण नहीं होगा। महामंत्र में पहले क्या आता है, क्या बोलते हैं, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या हो गया, कृष्ण हरे रंग के हैं, उनको बोल दिया हरे कृष्णा, नहीं। वो हरे रंग के नहीं है, फिर हरे क्यों बोला? जो अपने गुणों से, जो अपने प्रेम से श्री कृष्ण को, जो भगवान है, अपने समर्पण से, अपने प्रेम से उनको अपनी ओर आकर्षण कर ले, उनके मन को हरण करने, वह हरे। इसके कहा सर्वचेत हर कृष्ण से चित्तम हरे जसो व्यदग्ध विस्तार तारा हर होता। जो कृष्ण के मन को, उनके चित्त को भी अपनी ओर आकर्षण कर ले। अरे भगवान को आकर्षण करना आसान है क्या? भगवान तो बड़ी दूर की बात है। देश के सबसे बड़े मंत्री को आकर्षण कर सकते हो? जितनी उठक बैठक कर लो, जाकर मिलकर दिखाओ एक बार, सड़कों पे झाड़ू लगा लो। हाँ, उनकी यदि किसी दिन दृष्टि पड़ गई और उनकी एक्नॉलेज हो गया तो शायद आपको बुला देंगे, आ जाओ हमारे, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। ये तो आप जितनी भी कसरत कर लो, प्रधानमंत्री जी मिल सकते हो? आप उनके निकट जाकर उनको छू सकते हो? मतलब ही नहीं। और जबरदस्ती करना चाहोगे तो और पिटाई हो जाएगी, पटक कर फेंक लिया जाएगा। एक संसारिक व्यक्ति, एक देश का ही राजा ही है, उनकी ये स्थिति है। और हम बात कर रहे हैं भगवान की, वो इतने सुलभ है, मजाक है, इतना आसान है। इतना सस्ता, इतना आसान नहीं है। तो कैसे उनकी प्रेम में सेवा की जाए, ये प्रश्न है। राधा जी क्यों, राधा जी श्री कृष्ण के मन को अपनी ओर आकर्षण कर लेती हैं, हरण कर लेती हैं। उस हरण से बनता है हरे, उस हरण से बनता है हरे, इसलिए हरे कृष्ण। तो भगवान को ऐसे ही आसानी से अपनी ओर आकर्षण किया जा सकता है? ऐसे नहीं। हाँ, एक उपाय है उनको आकर्षण करने का, वो क्या है? जो वो कहते हैं और जो वो हमसे चाहते हैं उसको ठीक ठीक रूप से करने से उनका आकर्षण हो जाएगा, आकर्षित हो जाएंगे। और वो बल और वो शक्ति तो एकमात्र भक्ति में ही है। श्री कृष्ण आकर्षित चल, मैं भक्ति श्री कृष्ण को, उन भगवान को अपनी ओर आकर्षित कर ले, फिर आप भले जंगल में क्यों ना बैठे हो, भले आप संसार के आगे छिप के क्यों ना रहो। भक्ति रेव नयति, भक्ति रेव दर्शति, भक्ति वश पुरुषो। वह भगवान जो किसी के वशीभूत नहीं होना चाह रहे, किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं होना चाहते, भक्ति के द्वारा हो जाते हैं। और राधा जी कौन है? राधा जी कृष्ण की भक्ति नहीं करती, ऐसा नहीं सोचना, कृष्ण राधा जी की भक्ति करते हैं। यह है विचार, ये गौड़ीय विचार, ये ब्रज का विचार है। श्री कृष्ण राधा जी की भक्ति करते हैं। वृंदावन में श्री कृष्ण राधा जी के केशों को संवारते हैं, वृंदावन में श्री कृष्ण राधा जी के चरणों को पलटते हैं, वृंदावन में श्री कृष्ण राधे राधे नाम जप करते हैं और सबसे करवाते हैं।
वृंदावन में श्री कृष्ण राधा जी को सब समय स्मरण करते हैं। वृंदावन में राधा जी का यदि दर्शन ना हो तो उतावले हो पड़ते हैं, और यदि दर्शन ना हो तो जानते हो क्या होता है? एक शब्द है उसको कहते हैं विरह। विरह समझते हैं क्या मतलब? साधारण भाषा में बिछड़ना, साधारण भाषा। ये तो यहाँ पंडित सभा नहीं है ना। विरह का मतलब साधारण भाषा में बिछड़ना। फोन बड़े बजते हैं, हम लोग साइलेंट ही कर लो 10-15 मिनट के लिए, क्या करें? तो विरह मतलब देखो उस चक्कर में बातें निकल गई दिमाग से। कहना कुछ चाह रहा था, एक सूत्र को पकड़ना होता है, इतना आसान नहीं होता, आप समझते हो। एक मिनट देता हूं, फोन साइलेंट कर लो। राधा रानी के दर्शन के बिना कृष्ण को बिना होता है। राधा रानी के दर्शन मैं ये देखना चाह रहा था कि कौन कितना सुन रहा है। चैन नहीं है ना, 10 बार बोल दिया चैन नहीं है। अच्छा आप बताओ क्या बोला था? किसको होता है? होता है वृंदावन में राधा जी का यदि दर्शन ना हो तो भगवान को भी कृष्ण को भी क्या होता है? और उसमें क्या होता है जब आप किसी से बिछड़ते हो तो क्या होता है? हाँ, बड़ा कष्ट लगता है, बड़ा कष्टदायक है वे। तो वहां पर श्री कृष्ण को भी राधा जी का यदि दर्शन नहीं मिलता, जबकि वो राधा जी का नाम जब करते 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 कि हे राधे जी, मेरे को आपका विरह सता रहा है, आपका दर्शन मुझको नहीं मिलता, तो इससे क्या हो गया? वो विरह का जो विष है, जहर, वो मेरे सिर पर चढ़ गया। इसलिए आप क्या करो, अपने चरणों को जो बड़े शीतल हैं, ध्यान से सुनने बात, जो कोई साधारण और आसान बात नहीं है, सुनना ध्यान से। भगवान कह रहे हैं अपने शीतल चरणों को मेरे मस्तक पर धारण कर दो, जिससे कि मेरा जो विरह है, जो विष मेरे सिर पर चढ़ गया, वो उतर जाए। क्यों मैंने कहा यह असाधारण बात नहीं है? 1000 वर्ष पहले एक बहुत बड़े संत हुए, बहुत बड़े भगवान के भक्त, उनका नाम हुआ श्री जयदेव गोस्वामी। बड़े सुंदर सुंदर कविता लिखते, जो भगवान की लीला का स्मरण हो जाता उसको लिख देते, और ऐसे स्मरण करते करते उनको एक दृश्य दिख गया। क्या दिख गया? भगवान ये प्रार्थना कर रहे हैं, श्री कृष्ण प्रार्थना कर रहे हैं, राधे जी अपने चरणों को मेरे सिर पर रख दो। हाथ कांप गया, ये कैसे लिख दूं? ये तो उल्टी रीति है, ये कोई सीधी बात है, ये उल्टी बात है। राधा जी अगर ये कहें हे भगवान, हे कृष्ण अपने चरणों को मेरे सिर पर रख दो, ये तो आसान हो गया, सीधी बात है ना? सीधी
लेकिन इतने बड़े ईश्वर वो यदि राधा जी से कहते हैं अपने चरणों को हम मेरे मस्तक पे धारण करा दो, ये उल्टी बात है ना। अब ये सोचो, प्रेम प्रेम की नदी कभी सीधी नहीं बहती, प्रेम की नदी उल्टी ही बहती है। प्रेम नदियां उलट बहती जाए, वहां पर श्री कृष्ण प्रार्थना कर रहे हैं राधा जी से। तो ये जो इतने बड़े संत श्री जयदेव गोस्वामी जो उन्होंने दर्शन किया, बड़ी सुंदर बात है, उसको लिख रहे हैं। ये वाली बात, ये वाला स्मरण जब हुआ, लिखते लिखते हाथ कांपने लगे, अरे ये कैसे लिख दूं, ना ना ना, हो सकता है मेरा कोई भूल हो गई, ना ना ना, ये हो ही नहीं सकता। अपनी कलम को वहीं रख दिया, ये बात मैं कैसे लिखता हूं। और अपनी पत्नी से कह रहे हैं, मैं स्नान करने जा रहा हूं, प्रसाद तैयार रखना। स्नान करने के लिए चले गए और पीछे से स्वयं श्री कृष्ण उन्हीं के पति के रूप को धारण करके आए, और जहां पर वो बैठकर लिख रहे थे वहां पर बैठने लगे। पति ने पूछा, अरे स्नान हो गया? आप तो बोले थे स्नान करने जा रहा हूं, अब लौट आए? बोलते हाँ, वो कुछ मैं सोच रहा था, भूल ना जाऊं तो पूरा करके तभी जाऊंगी। इसने लिख कर चले गए। अब जब असली वाले पति आए, समझ रहे हो बात को? बात समझ आ रही है? क्योंकि आप लोगों ने कभी ये सुना नहीं, इसलिए थोड़ा मैं बहुत आसानी से साधारण भाषा में बता रहा हूं। जब असली वाले जयदेव जी वो आए, तो पति ने पूछा, ऐसी कौन सी बात जो आपको स्मरण हो गई थी, आपने बताया नहीं? क्या आए लिख कर फिर चले गए? बोलते मैं कब आया? बोलते अभी तो आप आए थे, बोले थे कुछ लिखना था, लिख कर चले गए। बोलते क्या बात कर रही हो, मैं तो बोला था स्नान करने जा रहा हूं, मैं तो स्नान करके आ रहा हूं। बोलते नहीं, आप आए थे। तब इनको लगा, हाँ कुछ बात तो लग रही है। तो जहां पर बैठकर लिख रहे थे उसको खोला तो देखा, जो बात मैं लिखना नहीं चाह रहा था, मेरे हाथ कांप रहे थे, वो बात वहां पर लिखी हुई थी। कौन लिख कर गया? स्वयं कृष्ण लिख कर गए इस बात को। एक यही वाली लाइन रह गई थी, उसका पूरा किया इन्होंने, स्वयं श्री कृष्ण ने अंदर क्या कह रहे हैं, स्मर गर खंडनम मम शिरसि मंडनम देही पाद पल्लव उदाहरण। वो राधा जी श्री कृष्ण प्रार्थना कर रहे हैं, राधे जी आपका मेरे सतारा है, और वो मेरे विष की तरह शरीर में चढ़ता 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 एकदम मस्तक पर पहुंच गया, इसलिए अपने शीतल चरणों को आप मेरे मस्तक पर धारण कराओ, जिससे मेरा ये विरह शांत हो जाए। देही पाद पल्लव उदाहरण। जब उन्होंने देखा, श्री जयदेव गोस्वामी जी ने देखा, अरे ये तो स्वर अक्षरों में लिखा हुआ है, तो समझ गए हो ना हो ये श्री कृष्ण है। स्वयं भगवान आकर इस बात को लिख गए जो मैं नहीं लिख पा रहा था। तो वहीं पर प्रणाम किया और अपनी पत्नी से कहा, तुम कितने सौभाग्यशाली हो, तुमने आज श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त किया। और वो भी रोने लगी, हाय मैंने पहचाना नहीं उन्होंने। जिस बात को लिखते हुए बड़े बड़े ऋषि डर जाए, भयभीत हो जाए, कांप जाए, भगवान को कोई संकोच नहीं उस बात को कहने के लिए। अब इसी से अंदाजा लगाओ कि जन्माष्टमी बड़ी कि राधाष्टमी बड़ी, आप सारे वृंदावन वाले हो। ये तो एक सबूत दिया मैंने, ऐसे तो हजारों लाखों हैं। इसलिए वृंदावन में ब्रज में राधा जी की प्रधानता है, और यही कारण है वृंदावन में जाओ तो क्या सुनने को मिलता है? राधे राधे। क्यों भैया, कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलता? कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? क्यों नहीं बोलता? ब्रज का है। अच्छा, क्यों नहीं बोलता कृष्ण, बताओ तो हाथ ऊपर करके। क्योंकि राधा भाई बोलने से कृष्ण को खुशी मिलती है, इसलिए सब लोग उधर राधे राधे, क्योंकि राधा मतलब कृष्ण खुद ही चाहते थे कि राधा रानी खुश रहे, तो ऐसा कुछ प्रसंग मैंने सुना है कि राधा रानी
उन्हें बोल दिया चाहिए। पहले सब कृष्ण कृष्ण बोलते थे तो राधा रानी ने बोला नहीं आप वो बोलिए जो कृष्ण को अच्छा। मेरी समझदार माता है। बताओ सारे विद्वान यही आ गए आज क्या कर रहे ठीक बात कही। जो कहने से श्री कृष्ण को आनंद लगता है जो श्री कृष्ण को सुख लगता है वही अपने आप में सीधी भाषा में भक्ति है। समझ रही बात। जो भगवान को प्रसन्न है उनको प्रिय क्या है पता है वो अपने मुंह से एक बात कहते हैं प्रिया यदि मान करे कोरे भरसन वेद स्तुति हैते हरे मर्मन। कहते मैं वेदों की स्तुति सुनते सुनते मेरे कान पकड़े ओम शांताकारम बड़ा कुछ कहती है स्तुतियां श्रुतियां सुन सुनकर मेरे कान पक गए और मैंने सुनना था। तो आप क्या सुनना पसंद करते हो बोलते हैं जब राधा जी मेरे साथ गाली गलौज करती है ना और एक होता है कला है कला है समझते हैं कलेश हाँ उस कलेश को अच्छी सभ्य भाषा में कला ही कहते हैं ना तो सब जगह होता ही है। लेकिन एक होता है प्रेम का कलेश कलह प्रेम का कलह जिसमें किसी को दुख देने की इच्छा नहीं होती सुख देने की इच्छा होती है लेकिन प्रेम से किया जाता है। पत्नी बोलते पति को एक रोटी और खाओ ना वो बोलता है नहीं नहीं मेरा पेट भरेगा क्यों नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाती और भी पता बहुत कुछ बोलती है। अब बताओ ऊपर से तो लग रहा है झगड़ा ठीक है लेकिन अंदर से क्या है इसको बोलते हैं प्रेम। इसलिए जो नोक झोंक होती है श्री कृष्ण राधा जी की माँ पर वो प्रेम का हमारे घर में कलेश है और वो है प्रेम का ये अंतर है। श्री कृष्ण कहते हैं प्रिया यदि मान कोरे कोरे भर्सन वो राधा जी यदि मुझको भर्सना करती हैं कुछ गाली गलौज करती हैं तो उसमें प्रेम छिपा हुआ है। आप प्रेम से किसी को गाली भी दे दो ना वो स्वीकार करता है। जहां प्रेम ना हो ना आप उसकी पूजा भी करो तो भी आनंद नहीं आता लेकिन जहां पर प्रेम होता है ना वहां पर आप कुछ भी कह सकते हैं पूरा अधिकार है ऑल राइट्स जहां पर प्रेम है वहां पर फॉर्मेलिटी नहीं रहती। आपने प्रणाम किया माला डाली नहीं डाली कोई फर्क नहीं पड़ता वहां प्रेम प्रधान है। ये प्रेम की भाषा है ये प्रेमी ही समझ सकता है। और इसलिए सबसे बड़े प्रेम पुजारी कौन है ऐसे प्रेम पुजारी जय माधव मदन वो प्रेम के पुजारी हैं। अब पुजारी हो तो इष्ट की सेवा करेंगे ना तो उनके इष्ट कौन है राधा जी जिनका नाम स्वयं श्री कृष्ण उच्चारण करें और राधे राधे बोलते 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 जानते क्या होता है ये कौन से रंग के हैं भगवान का रंग क्या है और राधा जी का रंग क्या है अरे विद्वान है सब अरे पढ़ा सिखा कर लाए ना। राधे 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 बोलते बोलते शाम से बन जाते हैं गोरे ऐसी बहुत सी रहस्यमयी बातें हैं। तो मैं आज यहां पर जो आया मन तो नहीं कर रहा छोड़ने का मन कर रहा अब तो प्रसंग गुजर गया बस चले जाओ चले जाओ चले जाओ और बड़े महीनों के बाद भारत में आया इंग्लिश बोल बोल के दुखी हो गया रस ही नहीं आता और अपनी भाषा में जो रस है वो है कहीं और। इसलिए छोड़ने का मन तो नहीं कर पूरी भड़ास निकालने का मन कर
लेकिन हमारा एक कार्यक्रम और है 5 बजे और उसमें भी कथाएं हैं। ऐसे रोज ही हमारी अलग अलग स्थान पर कथा है। हम राधा अष्टमी का चाव मना रहे हैं, लेकिन इस सब का एक प्रयोजन है, जन्माष्टमी से लेकर राधाष्टमी तक हर रोज सुबह शाम सब समय राधा जी की महिमा, राधा जी का कीर्तन, बस उसी भाव को गले लगाने का, आलिंगन करने का प्रयास कर रहे हैं। राधा जी का स्मरण रहे, इसका मतलब क्या, उस प्रेम का स्मरण रहे जिसके पुजारी स्वयं श्री कृष्ण है, उस प्रेम का स्मरण रहे, क्योंकि उनकी इष्ट है श्री राधा। तो इसलिए मैं यहाँ पर और हमारे सारे भक्त लोग यहाँ पर पता क्या करने आए। पहले क्या होता था, शादी ब्याह में कार्ड बांटते थे ना घर घर में जाकर, अब वो जमाना चला गया। अब क्या होता है, क्या डालते हैं, हाँ मैं तो खुद ही ऐप आ गया यहाँ पर, आप सबको न्योता देने निमंत्रण है, श्री राधा माधव गौड़िया मठ की ओर से सभी भक्त लोग यहाँ पर आए हैं। राधा अष्टमी का ये पर्व जो कि रविवार को 4 सितंबर, कौन सितंबर दिन कौन सा है, और उस दिन क्या होता है, राधाष्टमी छुट्टी होती है, शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक, कितने बजे तक, 5 से 8, कितने बजे, 5 से 8, 12 सेक्टर में सेंट्रल पार्क है, क्या है, सेंट्रल पार्क, कौन से सेक्टर, 12, 21 में समझ लेना, वहां पर हम राधाष्टमी का ये बड़ा सुंदर एक कार्यक्रम करेंगे। 1200-1500 लोग आते हैं हर साल, सिर्फ एक ही माता को उत्साह आया, बाकी सब भंडारे की मेहनत कर रहे हैं। देखो मैं आया हाथ जोड़कर विनती करने, और विनती यही है, जन्माष्टमी सब लोगों ने मनाई, उपवास भी किया, मंदिरों का दर्शन भी किया, लेकिन वो जन्माष्टमी तभी पूर्ण होगी जब राधाष्टमी भी मनाई जाएगी, ये तो अधूरी रह जाएगी। शक्ति के बिना शक्तिमान की पूजा अधूरी रहती है, इसलिए सभी उस राधाष्टमी का पर्व मनाने के लिए आप लोग आएंगे सेक्टर में सेंट्रल पार्क, समय क्या रहेगा, 6 से 8, आप कितने बजे आ रहे हो, 7 बजे तो आ ही जाएंगे, 8:30 प्रसाद कितने टाइम पे ये बताओ। अच्छा इन्होंने एक अच्छी बात उठाई, बोलते मैं उसी समय आऊंगा जब प्रसाद शुरू होगा, तो हमने इस बार क्या रखा है प्रोग्राम, 5 बजे पहले प्रसाद बांटेंगे, उसके बाद तो कथा की शुरुआत करेंगे, गेट बंद कर देंगे उसके, हाँ जो लेट आएगा फिर भंडारा खत्म हो जाएगा, बड़ा कुछ है, कुल्फी आइसक्रीम कुल्फियां तो वैसे लूट जाएंगी। देखो ऐसे बोल रहा हूँ, खराब नहीं समझना, खरीद के तो कोई भी 10-15 खा सकता है, लेकिन लुटाई की चीज लुटाई की उसका एक अलग स्वाद। हम भागवत करते हैं ना, कृष्ण जन्म वाले दिन टोपियां बांटते हैं, तो सारी माताएं सारी आके एक एक माता इतनी बड़ी बड़ी सेठानियां बैठी हैं कि वो चाहे तो मतलब 10,000 टोपियां से बांट दे, लेकिन वो लुटाई की जो दो मिलती है ना उसका स्वाद ही अलग है, होता ही नहीं होता। तो इसलिए
उस राधाष्टमी के इस पर्व को मनाने के लिए आप लोग आओ, हम लोग तैयारी कर रहे हैं आप लोगों के स्वागत की। जैसे आप लोगों ने स्वागत किया, इतना तो नहीं कर पाएंगे हम, हमारे अंदर उतना प्रेम नहीं है, उतनी सेवा भावना नहीं जितनी आप लोगों की है, लेकिन कीर्तन कथा हाँ इसके माध्यम से राधा जी का दर्शन, उस दिन हम राधाष्टमी का पर्व ऐसे मनाएंगे। कृष्ण जन्माष्टमी तो श्री कृष्ण रुला डालते रात को 12 बजे तक, सच में रोना आ जाता है, अरे कब 12 बजे के, 12 ही नहीं बजते होते। समझ आ रही बात क्या कहना चाह रहा हूँ? उपवास होता है ना, एक बज जाता है प्रसाद, बता दो सही बात लेकिन राधाष्टमी के पर्व पर कोई उपवास नहीं है, वहां तो खूब खाओ भंडारा, सुबह से भंडारे शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को मैं विनती करता हूँ, सुबह कम ही खाना, क्योंकि रात को बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ है, पूरा भंडारे की व्यवस्था रखी है। चलो उनको थोड़ा मजाक किया, लेकिन सच में हृदय से प्रार्थना करने आया, आप उनको भी सेवा का सौभाग्य दीजिए, हम आप लोगों की सेवा करने के लिए उस दिन रविवार को हम लोग प्रयास करें। बोलो श्री राधा रानी की जय। कौन कौन नहीं आ रहा, हाथ खड़े करेंगे, सारे आ रहे हैं, अच्छा दिख लेना भैया कितने प्रसाद उस हिसाब से। अच्छा कौन कौन आ रहे हैं ये बता दो, आपकी लड़की आ रहे अरे बोलो श्री राधा रानी की जय। रजरसदार को भी बड़ा पसंद है, आप रजरसदार है, रजरसदार सब लोग गाएंगे मेरे साथ, सही बोल ताली बजाते हुए बिना बात करते हैं। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में बोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में बोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में बोले रे, ओ पांव पे पहलिया बांधी ससुराल रे,
I'm gonna
अच्छा, इस कार्यक्रम को यहाँ पर सबको निमंत्रण देने वाले हमारी कुछ माताएं हैं, उनका ताली बजाकर स्वागत करो। और किसी ने भी पूछा कि चाव का कार्यक्रम क्या होता है, तो बतला दो। अभी देखो यहाँ पर टोकरियां सजी हुई है ना, देख रहे हो, कुछ माताएं अपने अपने घर से लाई हैं राधा जी को कुछ अर्पण करने के लिए। इसलिए उस दिन राधाष्टमी के दिन यदि आज आप कुछ एक छोटी सी टोकरी बनाकर कुछ भी किसी प्रकार का भी उसमें कुछ भी राधा जी को भोग लगाने के लिए कुछ लाएंगे, ऐसे ढक कर सजा कर ढक कर आप वहां पर ला सकते हो, उनको उससे भोग लगेगा और फिर वही प्रसाद सब कुछ मिलाकर सब भक्तों को वहां पर बांट दिया जाता है। हम अपने पास नहीं रखते, सब बांट देते हैं। तो ये एक ऑप्शन है, आप लोग यदि लाना चाहें कुछ भी। बाकी विस्तार से तो हमारी भूटानी माता, इंदुल माता, ये सब आपको बता देंगे कैसे करना। हरे कृष्ण, धन्यवाद। आपको आना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन जी, अभी अभी परसों व्हाट्सएप पे मेरे को तो अगर थोड़ी देर नींद नहीं आई, परसों व्हाट्सएप पे आया था कि एक लड़की मर गई और मरने के बाद उनको वैकुंठ धाम ले गए। वैकुंठ धाम लेने के बाद वो अपने घर वापस आ गई और वो वैकुंठ धाम की बातें बताने लगी। मैं सब ये हुआ, मैं ऐसा होता है कि वैकुंठ धाम जाने के वापस आ गए? कुछ नहीं, बेकार की बात है। कोई वापस नहीं आता वैकुंठ धाम जो एक बार वैकुंठ गया। यद गत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परमं फलम्। स्वर्ग से जाकर तो वापस आया जा सकता है, लेकिन जहाँ पर गिरजा के उस पार, उस नदी के उस पार वैकुंठ धाम में यदि कोई चला जाए तो उसका फिर यहाँ आना नहीं होगा, वो कहीं और गई होगी। कहीं और गए होंगे। वैकुंठ यदि कोई गया वो दोबारा इस संसार में नहीं आता। सीधी सीधी बात, अब आप आज रात को आराम से सोना। कुछ ये बदलती है, ठीक है। ये एक शास्त्र की बात है, मैं मजाक में थोड़ा बोल दिया, लेकिन ये शास्त्र की बात है। यद गत्वा निर्वतन्ते, जहां पर जाने के पश्चात फिर इस भौतिक संसार में नहीं आया जाता, उस धाम का नाम है वैकुंठ धाम, जहां पर न शोक है, न मोह है, न मृत्यु है, ना कोई पीड़ा, कोई रोग और वृद्ध अवस्था है। मैं अभी अमेरिका में था कुछ दिन पहले, तो उन्होंने एक प्रश्न उठाया था, उसका उत्तर देता हूं एक मिनट में बस। यदि हम भारत में रहें तो यहाँ के नियम कानून को पालन करना पड़ेगा ना। यदि हम कहें हमको आपके नियम पसंद नहीं है, तो सरकार के पास दो ही तरीके हैं, या तो आपको सजा देगी या फिर कहेगी आपको ये पसंद नहीं, आप किसी देश में चले जाओ। हर देश का अपना नियम कानून होता है ना। इस देश में रहना है तो यहां के नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा, समझ रहे हो। आपको पसंद नहीं है, आप कोई और देश ढूंढ लो, वहां चले जाओ, फिर वहां के नियम के हिसाब से रहना पड़ेगा। ऐसे ही इस संसार का जो नियम है, क्या नियम है, यहां पर रोग भी आएगा, शोक भी आएगा, मोह भी होगा, मृत्यु भी होगी, जन्म भी होगा। कौन मृत्यु से बच सकता है? कोई बुढ़ापे से बच सकता है? कोई रोग से बच सकता है? कोई शोक से, कोई दुख से, परेशानी से बच सकता है? ये संसार का नियम है। हमको पसंद नहीं जी, ये संसार का नियम नहीं पसंद, दूसरे संसार में चलेगा, वहां पर ये सब नहीं है। वैकुंठ में मृत्यु नहीं, वृद्ध अवस्था नहीं, शोक नहीं, मोह नहीं, कुछ नहीं, तो यहां पर क्यों रहना? चलो वहीं चलें, जाना चाहेंगे वहां। अब बिना मरे तो स्वर्ग बिना मिले, बिना मरे तो होगा नहीं, शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। अब आप सोचो, मैं रोज यही कपड़े पहनूंगी,
हो सकता है अगले दिन बदलोगे ना, फ्रेश पहनोगे ना, तो पुराने गंदे कपड़े एक दिन पुराने छोड़ने में कोई कष्ट होता है? ये साधु का विचार है। हम लोग रोते तो जरूर है, दुख तो अवश्य होता है, लेकिन साधु विचार शास्त्र विचार ये कहता है कि पुराना कपड़ा, फटा हुआ कपड़ा, बेकार सा कपड़ा उतार कर नया पहनने में तो बड़ा सुख लगता है, इससे फिर मरने से डरना क्यों? जो चीज पता है कि होगी ही होगी, फिर उसके लिए भय क्या? भय उसके लिए होता है जो ना पता हो। हम जा रहे हैं, वो गली से गाड़ी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं, पता थोड़ा था, उसके लिए भय होता है। लेकिन जो पता है कि होना ही है और कभी भी होना है, उसके लिए फिर जो साधु होता है वो भय नहीं करता, वो तैयार रहता है, क्योंकि उसको पता है नया कपड़ा मिलेगा। और वो नया कपड़ा यदि वैकुंठ में मिल गया तो वो कपड़ा फिर उतारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। समझ रहे? नित्य नवयमान रहता है, इसलिए वो जो भी कोई कुछ कहे वो वैकुंठ नहीं गए, कहीं और ही गए, इसलिए वो वापस। बात तो ये राधारानी की जय। मैं चाहता तो भी दो घंटा और कर सकता था, लेकिन 5 बजे फिर और एक कार्यक्रम है, क्योंकि राधा कृष्ण का इतना चाव है, इतनी रुचि है लोगों को कि सब जगह सुबह भी, दोपहर को भी, रात को भी, शाम को भी, हर जगह अलग अलग स्थान पर कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी आज ही 2 फोन आ गए, मैंने कहा हमारे तो भैया राधा अष्टमी तक तो सब फुल है, नहीं आ सकते। अब जिसको राधा अष्टमी का, राधा जी की पूरी कृपा चाहिए, तो वो तो कथा और कीर्तन से ही होगी, और उस दिन विशेष करके राधा अष्टमी के दिन उनका दर्शन करना। यहाँ पास में हमारा मंदिर है, राधा माधव गौड़ियावट 16A में, इतना सुंदर श्रृंगार, मैं कह रहा हूँ आप वृंदावन क्या बोलोगे, वृंदावन नहीं भी जाओगे तो कोई, बरसाने में नहीं भी जाओगे तो कोई कमी नहीं होगी। यहाँ का उस दिन राधा जी का श्रृंगार देखना, श्रृंगार देखकर सीधा फिर वहां आ जाना, कौन से सेक्टर, कौन सी जगह पर, और ये कहां पर है, पहले गाड़ी से यहाँ पर उतर के 2 मिनट दर्शन करना, ऐसा सुंदर उनके राधा जी की चोली और इतना उनके श्रृंगार होता है, बड़ा सुंदर, वो दर्शन करके फिर कथा और प्रसाद के लिए वहां। ठीक है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से हाथ जोड़कर प्रणाम भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ और निमंत्रण भी देता हूँ। हरे कृष्ण। राधे राधे तो बोला नहीं जोर से, हम लोग वृंदावन जाते हो ऐसे सुनते हो, वहाँ इतनी धीरे कोई ना बोलता, वहाँ कैसे बोलते मोहल्ले को तो पता नहीं लगा। देखा बार तंदूरी लग रही है तो भूख तभी ज्यादा लगेगी, थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। बोलो श्री राधा रानी की। ये तो ना कोई बात, वो भी कह रहा भैया जल्दी बना रहा हूँ, चलो।